हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मेघा और मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ अपनी ट्विंस प्रेगनेंसी की सेकेंड अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट शेयर करूंगी, ठीक है। और मैं इसको आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। और आज का भी जो मेरा ये वीडियो है वो रिक्वेस्टेड वीडियो है। और अगर आपने मेरी ट्विंस प्रेगनेंसी की फर्स्ट अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप एक बार उसको जरूर देख लें। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी जो है सेकेंड अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए 1 नवंबर 2020 की रिपोर्ट है, ठीक है। चलिए तो फिर मैं आपको इसमें बता देती हूँ। और ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा है, यूट्रस इज ग्रेविड कंटेन डाई एमनियोटिक और डाई कोरियोनिक विद ट्विंस लाइफ फेटस एंटीरियर अपर प्लासेंटा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये जो लिखा है ना, डाई एमनियोटिक एंड डाई कोरियोनिक, इसका मतलब मैं आपको समझा देती हूँ। ये जो ट्विंस प्रेगनेंसी में ही लिखा होता है, यहाँ पे किसी किसी रिपोर्ट में डाई एमनियोटिक लिखा होता है, डाई कोरियोनिक लिखा होता है, तो किसी किसी रिपोर्ट में यहाँ पे नॉन आइडेंटिकल भी लिखा होता है, ठीक है। और किसी किसी रिपोर्ट में जो है यहाँ पे पैटर्नल ट्विंस भी लिखा होता है, तो कहीं पे जो है डाई जाइगोटिक्स करके भी लिखा होता है, ठीक है। और मैं आपको इन सब का मतलब बता देती हूँ। अगर मतलब किसी भी रिपोर्ट में अगर इस तरीके के नाम लिखे हैं जो मैंने आपको बताए, ये जो इस प्रकार की अगर ट्विंस प्रेगनेंसी होती है तो वो सबसे ज्यादा सेफ प्रेगनेंसी होती है, ठीक है। और मैं आपको बता देती हूँ कैसे होती है, क्योंकि जो ये लिखा है ना डाई एमनियोटिक और डाई कोरियोनिक, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे ट्विंस बेबी हैं वो दोनों ही अलग अलग होते हैं, ठीक है। मतलब उनकी जो पानी की थैली होती है, उनकी जो गर्भनाल होती है, मतलब उनका सारा सिस्टम अलग अलग होता है, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं होते हैं, दोनों का हर चीज अलग होती है। तो इसी वजह से ये जो प्रेगनेंसी होती है ट्विंस, तो ये सबसे ज्यादा सेफ प्रेगनेंसी होती है, ठीक है। और इसमें मैं एक चीज और बता दूं आपको कि इसमें जो है ना तो बच्चों के एक दूसरे से चेहरे मैच करते हैं, और मतलब बहुत कुछ चेंज होता है। मैं आपको एक वीडियो में दिखाऊंगी, मेरे बच्चे भी बहुत ही चेंज हैं दोनों, ठीक है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो आप लोग मुझे जरूर बताएं कमेंट करके, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी इसके ऊपर, ठीक है। और आप जब मेरे बच्चों को देखेंगे ना तो मैं आप खुद समझ जाएंगे कि बिल्कुल ही चेंज है, एक दूसरे से बिल्कुल ही मैच ही नहीं करता कोई भी सिस्टम, ठीक है। चलिए फिर मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। मेरी जो प्लासेंटा की पोजीशन थी वो एंटीरियर थी, ठीक है, अपर प्लासेंटा थी। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पे एंटीरियर हो या फिर पोस्टीरियर हो, दोनों ही ठीक होते हैं, ठीक है। फिर से नीचे आ जाइए, यहाँ पे लिखा है लाई। जैसे कि मैंने बताया था कि लाई का मतलब होता है बच्चे की पोजीशन शो करता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिख के आ रहा है लॉन्गिट्यूडिनल, इसका मतलब ही होता है कि बच्चे की पोजीशन जो है मतलब कि पैर ऊपर है और सर नीचे है, ठीक है, बिल्कुल राइट पोजीशन होती है। फिर उसके बाद में हम जो है इसमें प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। प्रेजेंटेशन यहाँ पे क्या लिखा है, बोथ फेटस आर सिफेलिक प्रेजेंटेशन एट द टाइम ऑफ स्टडी, ठीक है। आप देख सकते हैं प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि बच्चे की पोजीशन जानना। देखिए सिफेलिक पोजीशन दे रखी थी, यानी कि सबसे अच्छी पोजीशन होती है, और इस पोजीशन में नॉर्मल डिलीवरी होने के बहुत अच्छे चांस होते हैं, क्योंकि इसमें जो है बच्चे का सर नीचे रहता है और बच्चे के पैर ऊपर रहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए फिर मैं आपको यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूड बता देती हूँ। आप लोग जानते हैं कि जिसमें बाबू रहता है मतलब माँ के पेट में, और जिसमें तैरता है, ठीक है, पानी जो उसके चारों ओर पाया जाता है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे लिखा है एडक्वाइट करके लिखा है फोर्थ जेस्टेशनल एज एट द टाइम ऑफ स्टडी, ठीक है, इसका मतलब एडवोकेट का मतलब होता है पर्याप्त। अगर आपके में ये लिख के आता है शब्द तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, यहाँ पे कोई भी टेंशन की बात नहीं होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, ये लिखा है कार्डियक एक्टिविटी ऑफ बोथ फेटल पोल आर प्रेजेंट एंड मेजर्ड फेटस ऑफ एप्रोक्स, ठीक है। कार्डियक एक्टिविटी का जैसे कि मैं मतलब बताती हूँ कि हृदय की धड़कन वगैरह, ठीक है, वो यहाँ पे दे रखी है, और कुछ बॉडी पार्ट्स के मेजरमेंट यहाँ पे दे रखे हैं। चलिए देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है FHR, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होती है फेटल हार्ट रेट, यानी यहाँ पे बच्चे की जो है धड़कन दे रखी है। जैसे आप देख सकते हैं एक की थी 147 BPM और एक की थी 145 BPM, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी दे दूं कि अगर आपके में ये जो धड़कन लिखी आती है ना, अगर आपकी ये 130 से नीचे जाती है तो ये बहुत ज्यादा ही मतलब क्रिटिकल कंडीशन होती है, और अगर ये 160 से ऊपर जाती है तो भी बहुत ज्यादा घातक होती है। अगर ये इन दोनों मतलब 130 से लेकर के 160 के बीच में रहती है तो ये बिल्कुल ठीक होती है, ठीक है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं हमारे बेबी की हार्ट रेट है वो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं अदर एक्टिविटीज प्रेजेंट लिखा है, अच्छी बात है। अब चलिए यहाँ पे आप देख लीजिए BPD, इसका फुल फॉर्म लिखा है बाइपराइटल डायमीटर, ठीक है। ये जो यहाँ पे दे रखा है ना, ये जो आप देख सकते हैं ये इसका
मतलब होता है कि बेबी का जो सर होता है उसमें एक हड्डी से लेकर के दूसरी हड्डी के बीच का ब्यास दे रखा होता है। ठीक है, ये देखिए एमएम में दे रखा है और ये जो यहाँ पे लिखा है ना वो टाइमिंग लिखा है कि 30 वीक 4 डेज के हिसाब से दिया है। ठीक है, और ये प्लस माइनस का जैसे मैं आपको बताती हूँ 2W यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब होता है 2 वीक, तो ये आगे पीछे भी हो सकता है। ठीक है, ये सारा इसका मतलब भी ये होता है जो प्लस माइनस करके दे रखे होते हैं। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे। चलिए फिर मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, एससी का जो यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा है ना, हेड सरकमफेरेंस, इसका मतलब होता है कि सर की गोलाई। ठीक है, इसका मतलब होता है सर का व्यास, यहाँ पे दे रखी है सर की गोलाई। ठीक है, यहाँ पे हड्डियों के बीच का व्यास दे रखा है, आप दोनों को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है सर की गोलाई दे रखी है जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ये देखिए यहाँ पे 278 mm लिखा था और ये देखिए ये जो है वीक के हिसाब से लिखा है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं एसी, इसका फुल फॉर्म होता है एब्डोमिनल सरकमफेरेंस, इसका मतलब होता है कि पेट की गोलाई। ठीक है, यहाँ पे देखिए दे रखी है 246 mm और आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइम लिखा है, ये जो दे रखी है वो 28 वीक 6 डेज के हिसाब से दे रखी है। ठीक है, और मैं आपको इधर का तो मतलब बता ही चुकी हूँ। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं FL फीमर लेंथ, यानी इसका मतलब होता है कि जो हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है उसका नाप दे रखा है, यहाँ देख सकते हैं आप 56.3 mm। ठीक है, 29 वीक 4 डेज के हिसाब से। ओके फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं EFVW, इसकी सबसे पहले आप फुल फॉर्म देखिए, एस्टिमेटेड फेटल बॉडी वेट, यानी यहाँ पे जो है बच्चे का बॉडी वेट दे रखा है। जैसे कि मेरा एक बच्चे का बॉडी वेट था आप देख सकते हैं 1449 ग्राम, दूसरे का था 1421 ग्राम। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं ये प्लस माइनस 20% का मतलब होता है कम ज्यादा। ठीक है, आपको मैं बता दूं यहाँ पे मेरा टोटल आप देख सकते हैं 29 वीक हो चुके थे, ये देखिए। तो ये जो हमारा बॉडी वेट था ये मेरे बेबी का बहुत ज्यादा कम था, तो मैं आपको एक वीडियो अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए बना सकती हूँ कि मैंने एक महीने के अंदर ही बेबी का वेट जो है कैसे बढ़ाया था, मैं अगली रिपोर्ट में भी आपको शेयर करूंगी। ठीक है, फिर आप अगर आप चाहते हैं जानना तो मैं आपके लिए स्पेशली एक वीडियो लेके आऊंगी, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। यहाँ पे देखिए ये क्योंकि यहाँ पे जो वेट है ना बेबी का बहुत ही कम था, 7.5 महीने के हिसाब से ये वेट काफी कम रहता है। ठीक है, तो मैं आपको जरूर बताऊंगी कि मैंने एक महीने के अंदर ऐसा क्या क्या किया था, क्या खाया था जो बेबी का वेट काफी अच्छा सा ग्रोथ हो गया था। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं CGA, CGA का फुल फॉर्म देख लीजिए, करेस्पॉन्डिंग जेस्टेशनल एज, यानी कि यहाँ पे जो होता है टोटल टाइम दे रखा है कितना टाइम हो चुका है, मतलब तो आप देखिए यहाँ पे 29 वीक हो चुके थे 6 डेज, ये प्लस माइनस 2 वीक का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसका मतलब होता है कम ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, अब अगला मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ EDD का फुल फॉर्म देख लीजिए, एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट, यानी यहाँ पे आपकी जो है डिलीवरी डेट दे रखी थी। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारी जो EDD है ना वो बेबी के वेट, बेबी के डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होती है, उसमें दे रखी थी 22/1/2021। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 11 हो गई, मतलब आधी हो गई थी। ठीक है, 11/1/2021, ये देखिए यहाँ पे प्लस माइनस 2 वीक का मतलब तो आप जानते ही होंगे। फिर यहाँ पे देखिए नोट लिखा है कि आइडली आर डेटिंग सोनोग्राफी शुड बी परफॉर्म्ड बिटवीन 18 to 20 वीक्स एंड दिस एड अस्यूम्ड फ्रॉम मेजरमेंट इज ओनली अप्रोक्सीमेट डेट नॉट कन्फर्म, इट मे बी वैरिड। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी ये डिलीवरी डेट दे रखी है कोई कन्फर्म नहीं है, मतलब जो है थोड़ा सा आइडिया के हिसाब से यहाँ पे शो करती है, जैसे बेबी के वेट को लेकर के बेबी किस तरीके से डेवलप करा उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि कन्फर्म तो कोई नहीं बता सकता, कन्फर्म तो सिर्फ प्रभु की मर्जी होती है जब होना है। ठीक है, हाँ थोड़ा सा बस आइडिया लगा सकते हैं कि लगभग इस बीच हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है कंजेनिटल एनोमैलीज, यहाँ पे मैं आपको बता दूं इसका मतलब होता है कि जन्मजात विसंगतियां, मतलब जन्म से कोई रोग होना या किसी भी प्रकार की बीमारी होना जो पेट में ही हो जाती है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए ये लिखा है नो एनी ग्रोस कंजेनिटल एनोमैलीज आर सीन एट द टाइम ऑफ स्पॉन, ये कह रहा है कि अभी ऐसी कोई भी मतलब जन्मजात विसंगति नहीं है जो अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग शो करे। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, इम्प्रेशन लिखा है ट्वीन लाइव फोर्टस एप्रोक्स 29 वीक्स 6 डेज प्लस माइनस 2 वीक्स विद बोथ फेटस आर सिफेलिक प्रेजेंटेशन। ठीक है, इसका इम्प्रेशन ये निकला है कि जो हमारे ट्वीन्स हैं बेबी थे वो लगभग उनका 29 वीक कंप्लीट हो चुका था 6 डेज, और 2 वीक आगे पीछे भी हो सकता है, और इनकी पोजिशन दे रखी है, देखिए सिफेलिक पोजिशन थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन पता नहीं अगले अल्ट्रासाउंड में कैसे पोजीशन बदल गई। मैं बहुत जल्दी आपसे जो है अगला अल्ट्रासाउंड भी शेयर करूंगी। अगर मेरा ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं,
ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे आए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।